जे हाल मस्ती मकुंबरन जिस बहाल हिजरा बेसारा दिल है। एक्चुअली ये सॉन्ग मेरे कानों में इन दिनों गूंज ही रहे हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा गुनगुना लूं और आप लोगों को भी सुना दूं। नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज योर फिन मॉरी लाहन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपना लोग सकलोके मोर यूट्यूब चैनल लो पुनर्बार स्वागतम जनाइसु। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो फाइन हियर इन अफ्रीका मलाव। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और जनरली कहाँ की हूँ, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं हमारे देश भारतवर्ष की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टेट असम से बिलोंग करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक असम विजिट नहीं किया है तो जल्दी से विजिट कीजिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि असम कितनी खूबसूरत है। लेकिन अभी मैं अफ्रीका की मलावी में हूँ। यहाँ विंटर स्टार्ट हो गए हैं, सुबह के टाइम पे हो या रात को ठंड होते हैं, बट अभी हो रहे हैं दोपहर का टाइम। तो दोपहर में या दिन की किसी भी टाइम पे ठंडा नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं ये लाइट सा कपड़ा ही पहन रही हूँ। और आज मैं जाऊँगी यहाँ के एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस में, जहाँ आप लोगों को भी लेके चलूँगी। तो जल्दी से आप लोग भी रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, फिर कार में बैठ कर बात करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी निकल रही हूँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ, चलिए आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ वो प्लेस। आज का मौसम भी कितना अच्छा है, सनशाइन, ब्लू स्काई, रियली ब्यूटीफुल वेदर। दिस इज माय फेवरेट काइंड ऑफ वेदर, ऐसा मौसम मुझे अच्छा लगता है। So I can say I love it. ठंड के टाइम पे थोड़ा सा धूप किसको अच्छा नहीं लगता है ना? साउकसुन, आकाशे जन पृथ्वी खन खाबटि ধৰিছে। पिछले कुछ वीडियोस में भी आप लोगों को कहा है कि मलावी का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे भी आप जाओ ग्रीनरी ही मिलेंगे, पॉल्यूशन ना के बराबर। एंटर हो गई हो गांव के रास्ते में, इसी रास्ते से जाकर डेस्टिनेशन मिलेंगे। अभी गुजर रही हूँ गांव के रास्ते से, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इस गांव में भी काफी लोग हैं, लोगों के घरों में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, अच्छा ही है। क्योंकि किसी के भी घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नेबर्स दौड़ कर आ सकते हैं हेल्प करने के लिए। वेलकम टू कुम्बाली, आके पहुंच चुकी हूँ। सिक्योरिटी गार्ड गेट को ओपन कर रहे हैं। कुम्बाली लॉज के लिए एंट्रेंस के बाद भी काफ़ी दूर तक घने जंगल में ड्राइव करके जाना पड़ता है। वैसे तो आप वॉक करके भी जा सकते हो, पर मैं कार से आई हूँ तो इसलिए ड्राइव के बारे में बोल रही हूँ। काफ़ी बड़ा एरिया है तो इसलिए वॉक करके जाने से ज़्यादा टाइम लगेगा। कुम्बाली लॉज को ही कुम्बाली विलेज कहा जाता है। तो दोस्तों अभी आके पहुंच गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन में, जिसका नाम है कुम्बाली विलेज। चलिए इसकी सैर करते हैं, आइए। वाओ, सो अमेजिंग, दिस इज अ प्लेस नॉट टू मिस व्हेन यू आर इन द कैपिटल सिटी ऑफ लिलोंगवे। आप लोग ही बोलिए, ये हेवन से कुछ कम है? चारों तरफ ग्रीनरी, फ्लावर्स, रियली ऑसम।
जंगल के बीच में इतना सुंदर जगह है ये। माइंड ब्लोइंग। मेरे पीछे ये जो आप लोग हट्स की तरह छोटे छोटे घर देख रहे हैं, इन घरों में मैक्सिमम यूरोपियन लोग आके रहते हैं, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत, है ही इतनी ज्यादा पीसफुल, तो कोई आके कैसे ना रुके यहाँ, है ना? गोरे ऐसी जगह में ही आके रहना पसंद करते हैं। ये मलावी के लिलोंगवे में है। मलावियन स्टाइल से बनाया गया है, बट मैक्सिमम यूरोपियन लोग आके यहाँ रहते हैं, तो यूरोपियन विलेज भी आप लोग कह सकते हैं। दोस्तों वो देखिए, वहाँ है स्विमिंग पूल का एरिया, आप लोग को वहाँ लेके चलती हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण जगह है, वैसे स्विमिंग पूल के साइड में बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है स्विमिंग पूल एरिया, यहाँ आके आप स्विमिंग भी कर सकते हैं और इधर बैठ भी सकते हैं, आई मीन उसे रिलैक्स भी कर सकते हैं। अभी चलिए दूसरा पार्ट दिखाती हूँ यहाँ के। चलिए आप लोगों को अभी लेके चलती हूँ यहाँ के फंक्शन एरिया में। फंक्शन एरिया जहाँ रेनी सीजन में फंक्शन वगैरह होता है, और ये है आउटडोर फंक्शन एरिया, यहाँ सारा सेटअप का सामान रखा गया है। आइए उधर भी चलते हैं। इस पैर में लाल टेन यानी कि लैम्प्स हैंग करके रखा है, और उसके साथ साथ कुछ अजीब टाइप के मास्क भी है यहाँ। रात को देखने से तो डर ही लग जाएगा। देख के ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड का कोई हॉरर मूवी का सीन हो, जैसे यहाँ पे कोई गाएंगे गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। क्या खाना है आप लोगों को? क्या दूं? क्या खाना चाहिए? इस डरावनी जगह से चलिए दूसरी खूबसूरत जगह की ओर। आइए बना के रखा है, चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहे हैं यहाँ। और ये देखिए मेरा राजशाही सिंहासन, ऐसा लग रहा है मैं किसी साम्राज्य की रानी हूँ, और ये मेरा सिंहासन। बस इस जगह को एक बार फील कीजिए। सूर्य की किरणें,
ये नारंगी रंग जो उम्मीद देता है कि सूरज फिर से उगने के लिए तैयार है। इस साइड में फोर्ट के वॉल की तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ आके तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई। अभी यहाँ सनसेट होने वाला है और सनसेट होते ही ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत होने लगता है। दोस्तों घूम घूम के थक गई हूँ, अभी चलिए रेस्टोरेंट की ओर। ये देखिए द्वारपाल खड़ा है, हंस रहा है। दोस्तों अभी यहाँ बैठ के खाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपना ऑर्डर पैक करवा लिया है। टेक अवे लेके जा रहे हैं, घर में बैठ के खाएंगे। रेस्टोरेंट का इंटीरियर्स भी कितना अच्छा है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है। खाने के लिए सिंपल सा ही ऑर्डर की है मैंने, क्योंकि बाकी चीजें बनाने के लिए उन लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा और ज्यादा बैठने के लिए मेरे पास भी टाइम की कमी है। ये है रेस्टोरेंट के बाहर का एरिया, यहाँ पे भी लोग आके बैठकर खाना खाते हैं। इट्स वेरी कोजी। टेक अवे ले लिया, अभी यहाँ से निकल रही हूँ, कार में बैठ के बात करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ से निकल रही हूँ, आप लोगों से बात करूंगी घर पहुँच के। शाम ढल रही है और मैं घर के लिए लौट रही हूँ। कितना खूबसूरत समा है ये। ओके कुंबाली, तो चलते हैं। होप मीट यू अगेन। ढलता सूरज, फिर एक नई सुबह की उम्मीद। अभी आके घर पहुंच गई हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि खाने के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद के लाई हूँ और उसके साथ साथ मैंने खरीदी खाने के लिए ये चिप्स जो कि आलू के हैं और सैंडविच। सो फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद ये खाऊंगी। एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो शेयर इट। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय आयो हूँ। जय हिंद।